दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान में। आज हम बात करेंगे मोक्समेड 500 mg कैप्सूल के बारे में, आपको जानकारी देने वाले हैं किस तरह की दवाई है, कैसे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, साइड इफेक्ट और प्राइस के बारे में पूरा जानकारी देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। मोक्समेड 500 mg कैप्सूल, जैसे कि आप स्क्रीन चैनल पर देख पा रहे हैं, मेडले इसको बनाती है जो कि एक जेनरिक ब्रांड है और एमोक्सिसिलिन इसका शॉर्ट नेम है। दोस्तों जो मेरे हाथ में ये फिलहाल ये बॉक्स है, ये 200 कैप्सूल का बॉक्स है और 200 कैप्सूल इसके अंदर हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं, जैसे कि मैंने बताया मेडले इसको बनाती है, एक जेनरिक ब्रांड है और 63 रुपये में आपको 10 कैप्सूल मार्केट में मिलते हैं। दोस्तों एमोक्सिसिलिन साल्ट जो है दोस्तों मोक्स 500 जो आता है उसी के अंदर वही ये साल्ट है। और ये इसके उपयोग के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, किसी भी तरह की नज़ला खांसी जुकाम की जो परेशानी है तो उसमें इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटी कोल्ड टेबलेट जो होती है उसके साथ में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है। पुराने से पुरानी खांसी, पुराने से पुराने नज़ले को ये ख़त्म करता है, खांसी को के बलगम को भी सुखा देता है और बहुत अच्छा ही काम करता है। इसके अलावा कान का किसी भी तरह का संक्रमण है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट लगता है। इसके अलावा स्किन की किसी भी तरह की जो है डिजीज़ है, यानी स्किन की जो फोड़े फुंसी की जो दिक्कत है, फोड़े हो जाते हैं फुंसी हो जाते हैं, तो उसे सुखाने में बहुत बढ़िया ये काम करता है साल्ट। ये एक एंटीबायोटिक साल्ट है। इसके अलावा जो है दोस्तों किसी भी तरह का घाव है, चोट मोच का किसी भी तरह का घाव है तो उसको ये भरने में बहुत सहायक होता है। दूसरी दवाइयों के साथ में इसे इस्तेमाल किया जाता है, बहुत जल्दी ये घाव को भरता है। तो इसके अलावा दोस्तों किसी भी तरह का और दांत का इन्फेक्शन है या दांतों में दर्द होने की वजह से परेशानी है, यानी जाड़ या दांत जो आपके जो दुख रहे हैं, या किसी भी तरह का जो उन्होंने सर्जरी कर दी है या कोई दांत निकाल दिया है तो उसमें भी इसे दिया जाता है। साथ में इसके साथ में क्लेविनेट लगा दिया जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि एमोक्सिलिन के अंदर अगर क्लेविनेट एसिड लगा दिया जाता है तो एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लेविनेट 625 जिसको बोला जाता है, तब ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ये दोस्तों इस तरह की दवाई है, इसकी कई तरह के संक्रमण में, इसके अलावा भी कई तरह के संक्रमण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात आती है दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इस दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इससे तेज़ भरमी हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, चकत्ते हो सकते हैं, लाल लाल चकत्ते हो सकते हैं, रेसेस हो सकते हैं, या इसके अलावा लगातार इसको अगर लेने से तो आपका जो है लेटरिन का सूख जाना, इस तरह की दिक्कत भी हो सकती है। दोस्तों बात आती है दोस्तों इसको लेने के बारे में, इसको कैसे लिया जाता है। दोस्तों इसको लेने का तरीका, खाना खाने के बाद इसको ले जाता है, खाने से पहले इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। खाना खाने के बाद एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और बगैर अपने डॉक्टर की सलाह के, बगैर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एक बार, तो उसके बाद ही इसे इस्तेमाल करें। तो दोस्तों जाना आपने मोक्समेड 500 mg कैप्सूल के बारे में सब कुछ। वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे स्टूडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, नई वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।